बहुत ही दर्द भरी जिंदगी जिसका टाइटल है और इनके जो बयान होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप लोग भी गाइस इस वीडियो को पूरा देखना और ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर भी जाके प्यार और सपोर्ट दिखा देना और हमारे वीडियो को भी पूरा देखना। और अगर आप लोग नए हो गए तो लाइक जरूर करना वीडियो को, चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा दो भाई, दबा दो ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। और पुराने हो गए तो लाइक एंड शेयर जरूर करो गाइस ताकि हम कपल्स को सपोर्ट करो, सपोर्ट मिले ठीक है। आप लोग करो और साथ में मिलाओ भी सपोर्ट हम कपल्स को, और वीडियो को पूरा जरूर देखना आप लोगों को तभी समझ में आएगा। अगर आधा देखोगे स्किप करके देखोगे आपको वीडियो समझ नहीं आएगा। तो वे भी स्टार्ट करें भैया। डेटशीट बनती है तो जो मुश्किल पेपर होता है उससे कबल एक छुट्टी भी दी जाती है, और अगर छुट्टी ना दी जाए तो लोग कहते हैं ये सालमाना डेटशीट है। इतनी मुश्किल के मुश्किल पेपर से कबल छुट्टी, और अगर एक दिन में दो पेपर रख दिए जाए तो तलबा तो कहते हैं हम एहतजाज करेंगे, हो ही नहीं सकता यार। पेपर हर रोज एक दिया जाता है, माजी में भी ऐसा हुआ, कभी भूख का इम्तिहान लिया गया, कभी किसी से औलाद का इम्तिहान लिया गया, लेकिन ये सारे इम्तिहान एक ही कमरा इम्तिहान में और सारे एक ही वक्त में और इकट्ठे इम्तिहान लिए और कहा पास मार्क 33% नहीं होंगे, नंबर भी 100 लेने पड़ेंगे। फिर हुसैन इब्ने अली ने कहा मालिक को इम्तिहान ले, देख तेरा बंदा इम्तिहान में सरफरू होता है कि नहीं होता। और फिर कायनात ने वो मंजर भी देखा यार, जितने दुख इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो पे आए, इतने दुख तो को हमालिया पे पड़े तो उसका पिता भी पानी हो जाए। हमारे घरों में कोई तभी मौत से बेटा मर जाए, सारा मोहल्ला बस्ती रिश्तेदार ढांस बधाने वाले होते हैं, फिर भी जनाजा उठता है तो एक शख्स को 10 आदमी सहारा लेके दे के ले जा रहे होते हैं, मियाँ ये कौन है? कहा इसी के नूरे नजर का जनाजा जा रहा है यार। तभी मौत, एक बेटा मरा, कड़ियल जमा बेटे बाप के साथ खड़े हैं लेकिन बाप के कलेजे को ठंड नहीं पड़ रही, उसको तस्कीन नहीं आ रही। फिर मैं खिराज पेश न करूं हुसैन इब्ने अली को, 18 साल का बेटा कंधों पे उठा के खेमों तक ला के फिर भी हाथ फैला के कहते हैं मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। ये कोई तमाशा लबे बाम नहीं है, ये हुसैन इब्ने अली है। सब्र का इम्तिहान दिया, मुश्किल हाय तक नहीं की जुबान से, अल्लाह अकबर, अल्लाह की रिजा पे राजी हो गए। मैंने सब्र की एक तारीफ ये भी पढ़ी है कि सब्र ये है कि इंसान के मामूलात इबादत का ज़्यादा। एक आदमी तहज्जुद पढ़ने का आदी, जवान बेटा फौत हो गया, तहज्जुद में मस्जिद में पाया गया, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने का आदी, घर में मैयत पड़ी है, अजान पुकारी गई, तकबीर उला के साथ मस्जिद में खड़ा पाया गया। सब्र का एक मफहूम ये है मामूलात इबादत कज़ा ना होने पाए। अब करबला के तपते हुए रेगजार के अंदर अगर सब्र को इस मफहूम के अंदर देखना चाहते हो तो 71 जख्म कलेजे पे जवान बेटे भतीजे भांजे शहीद हो चुके, और अब घोड़े की जीन पे जब इमाम तशरीफ फरमा होते और तीरों की बरसात होती, कितने तीन तीर बरसे, कितने नेजे, कितनी अनिया और कितने माले और कितने दुख सहे। अल्लाह अकबर, मुहतात रिवायात यह है कि जब आपका पैरा अंग उतारा गया तो 122 सुराख तीरों के थे, 33 जख्म तलवारों के और 34 घाव नेजों के, और घोड़े की जीन से जब फर्शे जमीन पर हजरत इमाम हुसैन आए, साबर ऐसा कि वक्त नमाज आया तो मामूल इबादत कजा नहीं होने दिया, पेशानी सजदे में रख दी और अल्लाह के हुजूर का अल्लाहुम्मा रज़क बे क़ज़ाएका व सब्रन अला बलाएका तस्लीमन ले अमरेका सुभान रब्बी अल आला। मालिक इतने दुख सह के तेरी तकदीर पे हुसैन राजी है, तू भी बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ। आवाज आती है इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, औरों ने भी सजदे किए पर इसका जब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। आबरू रख ली सजदे में, ऐसा लंबा सजदा किया, अल्लाह अकबर। हज का मौका था, हुजूर की खिदमत में सहाबा ने अर्ज की हुजूर एक शख्स ऊंट से गिरा है और गर्दन की हड्डी टूट गई और मौत वाक़ हो गई, फरमाया उसको कफन एहराम में दे दो और जनाजा पढ़ो और उसकी तदफीन कर दो। और फिर फरमाया कल क़यामत के दिन जब ये उठाया जाएगा मुलब्बियन, लबों पे तलबिया होगा, लब्बई लब्बई पुकारता हुआ ये कब्र से उठाया जाएगा, चूंकि जो जिस हालत में जाता है उस हालत में उठाया जाता है, तो फिर सुन लो कयामत के दिन हुसैन का सर सजदे से उठाया जाएगा। इतना लंबा सजदा किसने किया है जितना लंबा सजदा हुसैन इब्ने अली ने किया है।
सजदा इस पे नाज करे। आपको वो कहानी भी याद होगी जब फरिश्तों ने कहा था नहनु नसब्ब हो बिहम्दे का व नुकद्दिर लक, मालिक तू इंसान को खलीफा बनाने जा रहा है, ये तो लड़ाइयां करेंगे, हम तस्बीह करने वाले, हम सजदे करने वाले, हम रुकू करने वाले हैं। आज मालिक ने भी कहा होगा फरिश्तों जरा नीचे छान के देखो तो सही, तुम अपने सजदों को लाओ, अपने रुकुओं को लाओ और अपनी जिंदगी की सारी कमाई हुसैन के मुकाबले ला के तो दिखाओ, एक सजदे की ज़कात भी बनती है कि नहीं बनती है। ये हुसैन इब्ने अली का सजदा था। दस्ते कातिल ने सरे हुसैन तब काटा जब हुसैन इब्ने अली का सर सजदे में झुका हुआ था और फौरन काट के नेज़े की नोक पे इसलिए चढ़ाया कि लश्कर वालों को बताएं कि हम जीत गए हैं। फतह के नक्कारे बजने लगे लेकिन लश्कर यजीद से कोई बोल के कहता है ये कैसा सर है जो कट के भी सर बुलंदी है, ये कट गया है तो फिर भी ऊंचा है। यजीद मर गया, उसकी फिक्र मर गई, उसका नामो निशान मिट गया। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। मुझे अगर पूरे शहर में आपके ढूंढूं तो यजीद नाम का शख्स नहीं मिलेगा, और अगर मैं पूरा सूबा आपका ढूंढूं तो मुझे खोली नाम का शख्स नहीं मिलेगा, पूरा मुल्क ढूंढ लूं इब्ने ज़ियाद नाम का शख्स नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया ढूंढ लूं तो मुझे शिमर नाम का शख्स नहीं मिलेगा, और अगर मैं सिर्फ इसी मजलिस में ढूंढूं तो मुझे हुसैन नाम के कितने लोग मिलेंगे, मुझे अली अकबर असगर के कितने नाम मिलेंगे, पर्दे में बैठ के सुनने वाली बहनों में कितनी बहनों का नाम ज़ैनब होगा, कितनी बहनों का नाम सुगरा होगा, कितनी बहनों का नाम सकीना होगा, और कितनी मोहब्बतें तुझे ऐ फिराज चाहिए, बच्चों माओ ने तेरे नाम पे बच्चों के नाम रखे। इंडियाज़ बिगेस्ट फैशन सेल इज बैक। तो गाइस ये था बयान, बहुत ही बड़ी, बहुत ही मतलब इनका जो बयान रहता है बहुत ही अच्छा बयान रहता है, मौलाना साहब का बहुत अच्छा बयान देते। बीबी आपको कैसा लगा? बहुत प्यारा था, बहुत ज्यादा अच्छा। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना गाइस। अगर आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक के देखे होगे तो आपको समझ में आया होगा, हमें तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आप लोगों को कैसा लगा गाइस जरूर कमेंट करके बताना, और न्यू हो गए तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो गए तो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा एंड लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू गाइस।